शिवम अग्रवाल अगेन बैक विद अवर ज्ञान पोर्टल। और यार आज जैसे हम एंगुलर के बारे में जानते हैं, हमने ऑलरेडी एक वीडियो हम ला चुके हैं एंगुलर के बारे में जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दे चुके हैं कि आखिर हम इस कोर्स में क्या सीखने वाले हैं। तो यार एंगुलर को स्टार्ट करने से पहले हमें उसकी डिपेंडेंसीज को अपने सिस्टम में डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यार जिन लोगों को नहीं पता है तो यार मुझे वो बतानी पड़ेगी, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो अगर आपको पता है तो। अगर नहीं पता तो यार प्लीज एंड तक देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एंगुलर को लाने से पहले आपको क्या करना है, आपको नोड जेएस आपके सिस्टम में होनी चाहिए। तो नोड जेएस को चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपको पता नहीं है कि आपके सिस्टम में नोड जेएस आपने करी है डाउनलोड या नहीं करी है, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, नोड वर्जन ठीक है, नोड वर्जन ठीक है। जैसे आप देख रहे हो कि मेरे में यार नोड वर्जन डाउनलोड हो चुका है, पर यार मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप जैसे नोड वर्जन बहुत सारे हैं बट एंगुलर यार सभी वर्जन को सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं एंगुलर में इंटरनली इनबिल्ट फाइल्स में डेवलपमेंट चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आप नोड का 18 ठीक है, 18 ज्यादा हाई पे मत जाना, 18 जैसे मैंने कर रखा है 18.20 ठीक है। तो ये वाला आप वर्जन डाउनलोड कर लेना, बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे जाना है एंड जस्ट यू हैव टू सर्च द नोड जे एस वेबसाइट ठीक है। देर इज अ ऑफिशियल नोड जे एस वेबसाइट जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, और आप अपना जो है, और आपको एमएससी फाइल डाउनलोड करनी है, नॉट पैकेज मैनेजर, यू हैव टू डाउनलोड द एमएससी फाइल या हियर प्री बिल्ट इंस्टॉलर यू हैव टू डाउनलोड। जैसे आप यहाँ देख रहे हो V22 है, आपको V18 to LTS, LTS आपको इसलिए कि यार ये सिस्टम के लिए वो रहेगा, अगर आपका विंडोज है तो विंडोज के लिए, मैक है तो मैक के लिए, एंड रनिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपका वर्क करता है, जैसे मेरा X64 पे करता है तो मैं X64, एंड जस्ट यू हैव टू डाउनलोड, और डिफॉल्ट पे सब कुछ जो है उसमें इंस्टॉल कर लेना गाइज। नेक्स्ट इज अवर, हमें क्या करने की जरूरत है, जब हम ये डाउनलोड कर लेंगे इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू जस्ट मेक अ फोल्डर। जैसे मैंने एक फोल्डर बना लिया है अपने एंगुलर प्रोजेक्ट के लिए, आप यहाँ पे आना एंड जस्ट यहां पे आके आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट को खोल लेना। अपने कमांड प्रॉम्प्ट को खोलने के लिए आपको ठीक है सीएमडी डालना पड़ेगा, आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। और यहां पे आपको अब क्या करना है, आपको एंगुलर वो करना है। तो एंगुलर के लिए आपको क्या करना है, एंगुलर के लिए बेसिकली यार सब कुछ, जब भी हम कोई डेवलपमेंट करते हैं तो हमारी सारी चीजें क्या होती है, नेट पे अवेलेबल होती है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना, हमें एंगुलर डेप खोल लेना है जहां पे हम एंगुलर की चीजों को निकाल सकते हैं ठीक है। तो मैं एंगुलर की, जैसे हमें एंगुलर सीएलआई हमें डाउनलोड करनी है, तो हम गेट स्टार्ट कर सकते हैं, एंड हाउ वी कैन स्टार्ट, यहां पे आप देख रहे हो कि हमें क्या करने की जरूरत है, एनपीएम इंस्टॉल एनजी एंगुलर सीएलआई। अगर आपके सिस्टम में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप क्या करना, आप बस ये यहां पे जाके चला देना ठीक है। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है तो मैं इसे नहीं चलाऊंगा गाइस। नेक्स्ट इज अवर, जब हम एंगुलर सी एल आई को अपने डाउनलोड कर लेंगे देन हमें क्या करना है, हमें अपने वी एस कोड में अब इस प्रोजेक्ट को बनाना है, तो हम एक नया प्रोजेक्ट बना लेंगे। तो नए प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करने की जरूरत, आपको क्या करने की जरूरत है, एन जी न्यू, और जो भी आपको ऐप, जैसे मैंने दे दिया ऐप फर्स्ट, मुझे एंगुलर में अपना नया वो बनाना है, तो ये हमारा ऐप फर्स्ट आ गया। नाउ हम स्टाइल शीट चूज कर सकते हैं, बेसिकली हम सीएसएस पे जाते हैं, आप इसे स्टैटिक साइट जनरेशन भी कर सकते हो, तो मैं सर्वर साइट पे कर लेता हूँ, यस कर देता हूँ मैं उसे। देन ये आप देख रहे हो कि हमारी जो है इंस्टॉल होने शुरू हो गए हैं पैकेजेस, क्योंकि अब बहुत सारे, जैसे मैंने बताया इनबिल्ट लाइब्रेरीज है, यहाँ पे हमें ऑथराइजेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब हमें इनबिल्ट मिल जाता है लाइब्रेरीज की मदद से। तो इसलिए यार एंगुलर जो है फास्ट डेवलपमेंट में हेल्प करती है हमारी बहुत ज़्यादा। तो ये हमने, जैसे आप देख रहे हो कि हमने इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया है, ये हमारे इंस्टॉल हो रहा है, कुछ देर में इंस्टॉल हो जाएगा। देन फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अब हमें, जैसे ही हमारी ये चीज़ हो जाएगी, हम अपने बी एस कोड में इस चीज़ को ओपन कर लेंगे। जैसे मैंने एक बना रखा है ठीक है, तो मैं इसे ही ओपन कर लेता हूँ बी एस कोड में। और बी एस कोड में ओपन करने के लिए आप देखो, सिंपली आप क्या करना, आप इसके अंदर जाना, देन यहाँ पे CMD एंड देन कोड डॉट ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा VS कोड में खुल गया। अब VS कोड में हमारे पास एक एक्सटेंशन भी होती है जो आपको कहीं ना कहीं एंगुलर के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, तो आप चाहो तो आप एक एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर सकते हो। यहां पे आप एंगुलर की सर्च करके
एंगुलर, वेट गाइस, एंगुलर लैंग्वेज, ठीक है, दिस इज द, थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने, या दिस इज दिस एंगुलर लैंग्वेज सर्विसेज, यू कैन डाउनलोड, यू कैन इंस्टॉल इट इन द वीएस कोड ऑल्सो। आफ्टर दिस हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो है इंस्टॉल कम्प्लीटली हो चुका है, हमारी एप्लीकेशन बन चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आगे बताऊंगा आपको कि यार आप कैसे इसमें कंपोनेंट्स बना सकते हो, कंपोनेंट्स कैसे कैसे बनते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स में होता है, और फिर मैं आपसे आगे की बात करने वाला हूँ। इतने गाइस ये कंप्लीट कर लीजिए और मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए राम राम।